मात्र दो चुटकी में गैस को समाप्त करें। वीडियो अच्छी तरह से देखें और समझें। पेट में बहुत ज़्यादा वायु बनाता है, गैस से परेशान है। पेट में गैस बनाने से शरीर में जलन, हाथ पैरों में दर्द, उसके साथ पैरों के तलवा में जलन देना, माथा में चक्कर आना, कमजोरी जैसा महसूस करना, ये सारी गैस की आम लक्षण है। अगर आप एक बार गैस की बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो कितना भी दवा करवा लो, आप जल्दी ठीक नहीं होने पाएंगे। गैस के बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। इसलिए आप अच्छा भोजन करें और रात में अच्छी नींद लें। अगर किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चिंता लेने से भी गैस की बीमारी हो जाता है। इसलिए आप अच्छी नींद लें और चिंता स्ट्रेस ना लें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा और पाचन क्रिया बिगड़ जाएगा। रात में अच्छी नींद आना एक स्वस्थ मनुष्य का लक्षण है। गैस की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं एक अच्छी टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही सस्ता और आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, 50 ग्राम आदि, इसे सौंठ भी कहते हैं, आदि को किसी चाकू से बहुत छोटा छोटा बारीक कर ले। इस बारीक को मिट्टी के बर्तन में डालकर इसमें एक नींबू का रस ऊपर से निचोड़कर मिट्टी के बर्तन में डालकर चम्मच से चलाएं और एक दिन सूर्य के रोशनी में रखना है। मात्र एक ही दिन सूर्य के रोशनी में यानी धूप में, किरण में रखना है, इसके बाद नहीं रखना है। घर में लाकर अच्छा स्थान पर रख दें। इसको कैसे लेना है आगे वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो अच्छी तरह से देखें और समझें। जिनको ज़्यादा गैस की समस्या है उनको दो चुटकी, मात्र दो चुटकी खाना खाने से पहले खाली पेट लेना है। इसको लेकर मुंह में डालकर अच्छी तरह से चबाकर निगल जाना है। खाली पेट 1 से 30 दिन तक लगातार करना है। अगर आप घर पर ऐसे करते हैं तो आपका गैस समाप्त हो जाएगा, आपको गैस की समस्या नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है कि खट्टा मिर्च मसाला, लाल मिर्च और ज़्यादा अचार नहीं खाना है, और छाना हुआ या तेल वाला मसाले वाला नहीं खाना है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब।